ठीक, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक यार, देर हो रही है। आलिया अम्मा नहीं चल रही क्या हमारे साथ? नहीं, वो अम्मा मेरे साथ सुबह होके आ गई हैं और थकी हुई हैं, वो मना कर रही हैं अभी। अच्छा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यार अब खुदा का वास्ता ये मत कहना कि तुम भी नहीं चल रही हो, मेरी बहन के ससुराल का मामला है, बेकार में ना बवाल हो जाएगा कोई। अरे नहीं, मैं तो आपके साथ चल रही हूँ, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? असल में जमशेद, वो राहिला आपा का फोन आया था मुझे। वो कह रही थी कि अगर वो भी हमारे साथ चल लेती तो। अरे क्या हो गया आलिया, कैसी बात कर रही हो? अम्मी ने सुन लिया, वो ऐसे मौके पे हमारे साथ कैसे जा सकती है? बहुत मामला खराब हो जाएगा वहां। मसला खड़ा हो जाएगा जमशेद, यही तो मौका है, यही तो वक्त है, खुशी हो या गम, अपनों के साथ रहने का। आलिया तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। जमशेद आप नहीं समझ रहे हो, राहिला आपा अभी बहुत परेशान है, बहुत दुख में है। हबीब भाई ना तो उनका फोन उठा रहे और ना ही उनसे बात कर रहे हैं, आखिरकार तो उनके शौहर ही है ना। आलिया लेकिन लेकिन क्या जमशेद, आप माने या ना माने, आखिर है तो वो उस घर की फर्द ही ना। अगर वो हमारे साथ ताज़ियत के लिए चलेंगी तो क्या हो जाएगा? आलिया समझा करो ना, आपा उन्हें देख के भड़क जाएंगी। वो जमशेद, वो कौन सा हमारे साथ वहां लड़ाई करने के लिए जा रही है? सिर्फ ताज़ियत के लिए तो जा रही है, अपनी जेठानी से मिलने के लिए, इसमें क्या बुराई है? इतना हक तो बनता है ना उनका। आप बोले ना तो फिर मैं आपा को फोन करके कह दूं कि चल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा बोल दो यार, लेकिन खुदा का वास्ता उन्हें उन्हें कहना कि वहां अपना मुंह नहीं खोलें, बेकार में उनकी वजह से कोई नया बवाल मैं नहीं अपने सर पे लेना चाह रहा। आप परेशान नहीं हो, मैं उनको सब समझा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना। चलो तुम तो रेडी हो यार जल्दी, अब उन्हें भी पिक करना है। जी, मैं उनको फोन कर देती हूँ।